नमस्ते प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव और मेरी फिल्म आशिकी और अमरपाली जी की, पराग पाटिल जी की, हमारे प्रदीप शर्मा जी की फिल्म जो है, और मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी की फिल्म है, वो पूरी जनता की फिल्म है, जिसका नाम है आशिकी, और वो आप सबके बीच में 4 तारीख को पूरे इंडिया में रिलीज हो रही है जी, पूरे यूपी में छोड़ के, चुनाव की वजह से यूपी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया में, मैंने जहां जहां हमारा भोजपुरी सिनेमा लगता है वहां वहां रिलीज हो रही है। तो आप लोग इतना प्यार दीजिए, एक रियल बेस कहानी है, एक हमारे शिवान की कहानी है, और रियल घटना पे अब मैं कोशिश हमेशा कर रहा हूं कि मैं काम करूं। तो 4 तारीख को, यानी 4 मार्च 2022, 4 मार्च को आप सबके नजदीकी सिनेमा घर में आपकी आशिकी लग रही है, मेरी नहीं, क्योंकि मेरी हर वो चीज आपकी है जिससे मैं इंजॉय करता हूं। मैं तो सिर्फ एक आपका बेटा हूं, आप लोग जो प्यार देते हैं उसी में खुश रहता हूं। तो मेरी 4 मार्च 2022, 4 मार्च को वो हर सिनेमा हॉल में मेरी आशिकी लग रही है यूपी छोड़ के। तो आप लोग प्यार और आशीर्वाद इतना दीजिए कि आपका बेटा हमेशा जिस तरह खुश रहता है। 4 तारीख को आप सब मुझे बर्थडे गिफ्ट दीजिए, मेरा 15 तारीख को बर्थडे है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब 4 को ही दे दीजिए, ताकि मैं खुशी से केक उसी दिन काट लूं। क्या लेकिन मुझे बहुत, सच में बहुत, और आशिकी मैं सब दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अच्छी फिल्मों को आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और अमरपाली जी की मेरी जोड़ी आप लोगों को देखने को जो मिलेगी वो एक अलग लेवल पे मिलेगी, क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और हमने भी कोशिश किया है बड़ा काम करने की। और एक आशिकी मेरी लिखी हुई कहानी है, और मैंने बड़ा शिद्दत से लिखा है क्योंकि वो रियल कहानी है। मैं आपको शायद बताया भी था, वो एक सिवान की घटना है। जैसे हमारे यहाँ जातिगत बड़ा प्रॉब्लम होती है, अगर कोई दूसरा जात दूसरे जात में अगर प्यार कर लिया या उनके रिलेशन हो गए, तो उसके लिए लोग उसके लिए बड़ा गलत मानते हैं उसको। तो आपने मुझे एक और चीज बहुत ज्यादा हेल्प की थी, मैं आ गई लगता है। नमस्कार सर। अमरपाली जी के लिए एक शिकायत आपने मुझसे एक बार शेयर किया था कि अमरपाली जी बड़ा लेट करती हैं रेडी होने में। तो मैं आपको बताता हूँ, अमरपाली जी का लेट होने का कारण एक चीज होता है कि एक एज ए हीरोइन दुनिया जब इनको देखती है तो ये फुल रेडी होकर आना ही मैंने अच्छा समझती है कि नहीं यार, मैं फुल रेडी होकर जाऊं एज ए मुझे हीरोइन, और मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मेरा डिमांड है मैं उसको पूरे रेडी करके आऊं, तो 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं जितने भी लोगों के लिए एक शिकायत है कि अमरपाली जी थोड़ी सी, हाँ, जो लेट होती है थोड़ी सी लेट होने के, तो उसका कारण यही है कि अमरपाली जी अपने सिनेमा को बेहतर करने के लिए बाकायदे प्रॉपर रेडी होके आती है, ये नहीं कि कुछ अधूरा करके आती है। तो इसलिए जितने लोगों की शिकायत है मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना अमरपाली जी को अनुभव किया सेट पे, क्योंकि अगर ये सेट पे आती हैं तो एक टेचअप तक इनका नहीं होता है, इसलिए क्योंकि बकायदे सब कुछ करके ही सेट पे आती हैं। वो 10 मिनट लेट होने का कारण वही है कि सेट पे जाकर सिर्फ हम काम करें, वहां जाकर फिर ये कनबाली नहीं है तो नकबाली नहीं है तो जुड़ा नहीं है तो गजरा नहीं है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। आम्रपाली जी का भैया जुड़ना आशिकी में ये भी एक चमत्कार ही था। अरे बिल्कुल, 4 दिन पहले जुड़ना चमत्कार नहीं होता तो क्या होता है? 4 दिन पहले मतलब कैसे, जैसे एक देवी प्रकट हो जाती है वैसे प्रकट हो गई। सुनिए ना, मुझे तो जब आशिकी में जुड़ी तो मुझे लगा कि मैं वैक्सीन ले लिया। और मुझे, आप सोचिए उस टाइम करते हैं तो उनकी प्लानिंग क्या, हम सब फेल है। मेरी उसी समय अपने आगे, अब आवाज कट कट क्या रही है? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, फोन नीचे रख लेता ना। उसी टाइम पे मेरी एक फिल्म थी जो अपने आप कैंसिल हो गई, और मैं सोच ही रही थी कि यार ये मेरी डेट वेस्ट हो गई, अब मैं क्या करूं। और तब तक मुझे प्रदीप जी का फोन आ गया, पराग जी का फोन आ गया, सबका फोन आ गया, मतलब 3 दिन के अंदर इतना फटाफट सब कुछ हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। और मैं जब सेट पे पहुंची तब स्क्रिप्ट मांग रही हूँ, मुझे स्क्रिप्ट दो, मुझे अपाहिज जैसा फील हो रहा है, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, मुझे स्क्रिप्ट दो। नहीं, लेकिन एक चीज, आप पे आशिकी में आने के बाद सच में मुझे लगा ना कि मैं पुतिन वाला वैक्सीन ले लिया, वैक्सीन पुतिन वाला। पर मैं
बोलूंगी, मैं हमेशा मुंबई में रही हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ मैं, मतलब अपने गांव जाती थी वैकेशन में कभी कभार जाती थी, तो आशिकी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं समझ में आती थी, वो छोटी छोटी बात जातिवाद को लेकर जो मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे बिहेव होता है कुछ वर्ग के लोगों के साथ। मुझे इतनी हेल्प की है खेसारी जी ने और राकेश भैया ने, इतना ज्यादा हेल्प किया है, तो मैं उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे नहीं बताया होता कि मुझे उस परिस्थिति में जो इंसान रहता है वो कैसे रिएक्ट करता है, तो मैं शायद नहीं कर पाती। और मैं आशिकी का पूरा श्रेय आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया तब मैं कर पाई। हाँ, वो देखिए सबसे बड़ी चीज कि आज भी गांव में वो चीजें है, जातिगत को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है। और ये कहानी जो है एक सिवान की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव के बगल की ये कहानी है, और नटवर मिस्टर नटवर लाल के गांव के बगल की। तो कहीं ना कहीं मैं ये अपने पापा के मुंह से सुना था, और मुझे उसी समय से ये चीजें बनानी थी। मैं डिस्कशन किया था पराग भैया से, राकेश भैया से, और सबने बोला कि आशिकी की कहानी 4 बार चेंज हुई है हमारे ही पार्क में। हम लोग कोरोना काल में सिर्फ आशिकी की कहानी चेंज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इससे बड़ी आशिकी कुछ हो ही नहीं सकती है। तो फिर हम लोगों ने, और प्रदीप शर्मा जी ने बहुत हेल्प किया कि हम लोग जो भी कहे वो हमें देते गए, और जो लोकेशन था हमारे लिए, जो सपोर्ट लोकेशन इलाहाबाद का, वो तो कमाल का था। अब मुझे तो याद है क्लाइमैक्स शूटिंग कर रहे थे, ठीक है अभी तो कल से फिल्म रिलीज होगी और लोग थिएटर में जाएंगे और फिल्म को प्यार देंगे, लेकिन हम लोग वहाँ क्या संगम पे ही शूटिंग कर रहे थे ना हम लोग, त्रिवेणी संगम पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे और क्लाइमैक्स का सीक्वेंस चल रहा था। मैं सब अपने मेरे जितने लोग सब लाइव में जुड़े आप सबको बताना चाहती हूँ, हम लोग एकदम इंटेंस क्लाइमैक्स का सीन शूट कर रहे हैं और हमको चाहिए कि जितने लोग खड़े हैं सब एकदम सबकी आंखों में आंसू हो, और सब एकदम यू नो ऐसे मुंह गिरा के खड़े हो कि हमने परेशान किया है। गायिका वो लोग मुंह गिरा के खड़े रहते हैं कि तारी भैया जिंदाबाद, अरे यार शूट कर ले दो लोगों को, कितने रीटेक्स हुए, कितने रीटेक्स, ये लोग चुप ही नहीं होते थे। तो तब जो क्या उससे समझ में आ गया बहुत ज्यादा थोड़े यूपी बिहार में, यूपी बिहार के लोगों के अंदर एक ऊर्जा जो है ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने अपने लोगों को लेके, अपने कलाकार को लेके वो बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। और तभी आज मुझे लगता है कि भोजपुरी सारे भाषाओं से ज्यादा सुनी जा रही है, ज्यादा देखी जा रही है। हाँ, सिनेमा का थोड़ा सा ग्राफ अब मैं लोगों से इसीलिए अपील करना चाहता हूँ कि सिनेमा का भी देखिए, जिस तरह गानों का देखिए, गाना तो एक सिंगर हो गया और 5 मिनट का मनोरंजन, और गाने से भाषा का बड़ा उठान नहीं होता है कहीं ना कहीं हमारी कॉन्सेप्ट, क्योंकि गाने में हम सिर्फ मनोरंजन करा सकते हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को एक सिनेमा के माध्यम से दिखा सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टाइम होती है उसमें, हमारे कल्चर को दिखाने के, हमारे संस्कार को दिखाने के, हमारे रिलेशनशिप को दिखाने के, हमारे छोटे छोटे रिश्ते जो होते हैं, हमारी छोटी छोटी त्योहार जो होती है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, वो एक सिनेमा के माध्यम ही हो सकता है। तो मैं अपील यही करना चाहता हूँ अपने जनता से कि आप सिनेमा के तरफ भी अपना थोड़ा सा मूड डाइवर्ट करिए, ताकि हमारी भाषा को सिनेमा के माध्यम से दुनिया जाने कि नहीं, हमारी सिनेमा छोटी नहीं, हमारा भाषा छोटा नहीं, हमारा कल्चर छोटा नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रिलेशन और रिश्ते होते हैं तो भोजपुरी समाज में होते हैं, भोजपुरी के भाषा में होते हैं, हमारे हर रिलेशन पे एक त्योहार बनाया गया है। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि 2.5 घंटे अगर हम आपको एंटरटेन करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं हमसे, तो आप लोग प्लीज कल आशिकी लग रही है, यूपी छोड़ के हर जगह लग रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अपना प्यार आशीर्वाद हॉल तक लेके जाइए, ताकि लोगों थिएटर तक जाएंगे तो शायद हमारा सिनेमा और हमारा भाषा बड़ा होगा। बिल्कुल, और हम लोग इतनी जो मेहनत करते हैं वो आप ही लोग भी करते हैं। हम लोग भी समझते हैं कि अभी तक कोविड की परिस्थिति चल रही थी और बहुत सारी चीजें अनसर्टेन थी, बहुत डर था लोगों में, लेकिन अब भगवान की दया से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और अब हम भी हक से आप लोगों से मांग सकते हैं कि प्लीज जाइए देखिए। तो नहीं, बिल्कुल जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आपसे बहुत प्यार है और आपकी फैन फॉलोइंग जो आज यूपी बिहार में नहीं पूरे मतलब पूरी दुनिया में है, और मेरी शुभकामना है आशिकी के लिए, आपको भी, पराग पाटिल जी और हमारे प्रदीप के शर्मा जी,
और उससे जुड़े हुए जितने भी लोगों ने मेहनत किया है, चाहे वो छोटे टेक्नीशियन हो, अगर आना चाहते होंगे तो ले लीजिए, वरना पेमेंट रोक देंगे मेरा। नहीं, उनका थोड़ा सा मुंह बड़ा है, मेरे मोबाइल में नहीं आ पाएंगे वो। ऐसे मत करिए। और मतलब के बड़े भाई हैं वो, कहीं बिजी होंगे शायद, उनको ध्यान नहीं होगा उनका, क्योंकि रिक्वेस्ट मेरे को नहीं आया, उनको भी नहीं आता होगा जिस तरह मुझे जोड़ने उड़ने नहीं आता है। प्लीज लेकिन सॉरी, माफ करिएगा भैया, हम आपका नाम लेते हैं और नाम ले लिया है, लोग जान गए हैं आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। आपने इतनी इतनी अच्छी सिनेमा बनाई है, डमरू से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर आशिकी से लेकर इसके बाद विधाता करने जा रहे हैं आप, तो आप प्रोड्यूसरों में एक सर्वोपरि हम लोग के बड़े भाई हैं प्रोड्यूसर बाद में। तो बस आशिकी के जितने भी टीम है सबको दिल से थैंक यू, और अमरपाली जी आपको ढेर सारी विशेष मेरे तरफ से कि आपने उस सिनेमा के लिए अपना आउटपुट बहुत ज्यादा दिया, और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको ऑल द बेस्ट, खेसारी जी को, पराग जी को, श्रुति जी को, प्रदीप शर्मा जी को, हर किसी को मैं हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ सबके दिल के। आशिकी में एक अहम भूमिका में कुणाल भैया भी हैं। कुणाल भैया का जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। कुणाल 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 बाऊजी के साथ मैंने दूसरी फिल्म की है, तीसरी फिल्म, लेकिन मुझमें मुझे जो बताते थे ना कि बेटा इस डायलॉग को ऐसे बोलो, इस डायलॉग को ऐसे बोलो, तो वो बड़ा सीखने को मिला, कहीं ना कहीं बहुत आदमी उनसे सीखा। तो और हमारे पदम जी जो कि हर लोकेशन हमें रिच रिच दिया किए, तो सब कलाकारों का एक अलग और सब जितने भी उससे जुड़े हुए हैं सबने बेहतरीन काम किया, तो दिल से सबको थैंक यू। और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, स्पॉट बॉय, खाना से लेकर लोकेशन के, होटल के जितने भी लोग हैं सबको दिल से थैंक यू। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि प्लीज आप सब अच्छी फिल्मों को प्यार दीजिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में आप सबके बीच में लेकर आए, और अपने भाषा को प्रमोट करने में आप सबका योगदान रहे, और हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, बट पब्लिक नहीं चाहेगी तो कोई भाषा बड़ा नहीं हो सकता और कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट सबसे कर रहा हूँ कि कल आप लोगों को बताना है कि आप अच्छी फिल्मों को प्यार देते हैं। कैसे बयान करना चाहेंगे? क्या अम्रपाली जी से भैया आप अपनी आशिकी कैसे बयान करना चाहेंगे? इतना वो आशिकी बयान कर रहे, इतनी मेरी तारीफ कर दी है, बाप रे, मुझे तो लग रहा था कि मैं चालू लाइव सेशन में रोने नहीं लगूं, पानी लेके बैठे मैं पानी पीने के लिए, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। अब और कितना आशिकी बयान करेंगे, रुला के मानिएगा आप लोग। नहीं सच में मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि ये फिल्म मैंने आपके साथ की, खेसारी जी, पराग सर, आपको मुझे पहली बार आपके डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला, और प्रदीप सर के उसमें प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी बिकॉज एक अच्छी टीम ही एक अच्छी फिल्म बना सकती है, और हम सब ने अपनी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, और कल वो मेहनत हर किसी के पास, हर किसी के सामने आ जाएगी। मैं ये लाइव के बाद अपने स्टोरी पे डालूंगी कि कौन से रीजन में, कौन से थिएटर में फिल्म लगी है, तो आप सब लोग प्लीज जाइएगा और सिनेमा को देखिए। इंटरव्यू में भी आपको कहीं ना कहीं जातिवाद नजर आ रहा है, मोबाइल बंद की कदर हम लोग के नस साथ में बोलते हैं, अरे राम, और हम बोलते हैं शिव है कर कर में बेटे, कुर्सी ला कुर्सी, आइए भैया आइए, गाड़ी टूट रही है, पैसा मेरे को देना है, हर महादेव। हर महादेव। ये काली काली जी।